हेलो स्टूडेंट्स, सब एग्जामपुर का नाम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बज चुके हैं दोपहर के 1 और स्वागत है आप सभी का ठीक दोपहर 1 बजे आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो एक बार जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट क्लास में लाइव आ सके। शुरू करते हैं फिर अपने आज के बेहतरीन सेशन को प्यारी सी 2-3 लाइनों के साथ। रखौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो मंजिल तो मिलकर रहेगी जब कोशिश करते हो आप हजार। ठीक है, कहते ना किसी चीज को इतनी हद से चाहो कि पूरी कायनात उसे मिलवाने के लिए साजिशें करने लग जाए। तो आप अपने एग्जाम को इतने हद से चाहत से इतने बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो कि पूरी कायनात, मतलब उस दिन ही आपका एग्जाम पढ़े, उसी शिफ्ट में आपका एग्जाम पढ़े और उसी शिफ्ट में वही क्वेश्चन आए जो आपको आते हैं। वो तभी होता है जब आप बहुत शिद्दत से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आप सभी के लिए सिलेक्शन ऑफर लाया गया एग्जामपुर के थ्रू, मतलब एग्जामपुर लेकर आया सिलेक्शन ऑफर जिसमें 16 से 18 मई तक आपको इन सभी कोर्सेज पर भारी ऑफर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर ये सभी कोर्सेज आपको 499 के मिलने वाले हैं। अगर आप लेते हैं एसएससी जीडी या सीआरपीएफ का कांस्टेबल बैच, अगर आप लेते हैं सीजीएल का प्री प्लस मेन रफ्तार सॉरी परिवर्तन बैच, अगर आप लेते हैं मैथ्स स्पेशल शिकारी बैच विपुल सर का, या आप लेते हैं प्रीति मैम का रफ्तार बैच रीजनिंग का, तो ये सभी बैचेस आपको दिए जा रहे हैं 499 रुपए के लिए। ध्यान रहे कि बैच को खरीदते समय आपको लगाना है कोड एग्जाम्पल। क्लियर है, आप बैच को ले सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके या फिर एग्जाम्पल की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। वही अगर आप चाह रहे हैं बिल्कुल लाइव क्लास मिले जीरो लेवल से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो दिल्ली पुलिस के लिए आ रहा है खाकी बैच। अभी बैच लॉन्च नहीं हुआ है, प्री बुकिंग हो रही है। प्री बुकिंग में क्या होता है, अगर आप जाकर फ्री में, प्री बुकिंग के कोई पैसे नहीं लगेंगे, केवल एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर जाकर आपको प्री बुकिंग करनी। इससे फायदा ये होगा कि जब भी बैच निकलेगा, सपोज बैच निकलता है 599 का, आपको उसमें 10% का और ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो 10% का एक्स्ट्रा ऑफ पाने के लिए आप प्री बुकिंग कर सकते हैं। अगेन प्री बुकिंग भी आपको एग्जाम्पल की एप्लीकेशन पे अवेलेबल है और साथ में नीचे दिए गए नंबर पे भी कॉल करके आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा रैपिड फायर राउंड रहने वाला है आज का, मतलब 30 मिनट 30 क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जिस निर्देश को तुरंत क्रियान्वित नहीं किया जाना चाहिए उसे इनमें से किस में रखा जाता है? द इंस्ट्रक्शंस दैट इज नॉट बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, वो इंस्ट्रक्शन जिनको तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करना उन्हें किसके अंदर रखा जाता है? इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, प्रोग्राम काउंटर में, या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में? तो वो अनुदेश या वो डेटा जिसको तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करना वो बफर रजिस्टर में रहता है, इसको आगे के लिए स्टोर करके रखते हैं। अभी तो जो चल रहा है वो करंट वर्तमान में चल रहा है, पर आगे जिसको चलाना है वो बफर में रहता है। तो बफर में जो डेटा रहता है वो इंस्टेंटली एग्जीक्यूट नहीं होता, तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होता। क्लियर, बाकी हमने अच्छे से पढ़ा है। प्रोग्राम काउंटर आगे के लिए करेगा, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वर्तमान के काम को करता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ये डेटा को ट्रांसफर करता है मुख्य मेमोरी से डेटा को प्रोसेसर में भेजने का काम इसी का होता है। ठीक है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका IBR, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। सारे क्वेश्चन SSC CGL टीयर 2 मेंस में पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। तो इस हफ्ते आपके वही चल रहे हैं SSC CGL में पूछे गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, पढ़ना है आपको, बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन शायद केवल हिंदी में ही है, क्या इंग्लिश में नहीं है क्वेश्चन? चलो ये वाला क्वेश्चन केवल हिंदी में ही है, कोई नहीं मैं आपको बता दूं। इसमें दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक को डालने के, इंसर्ट हाइपरलिंक, हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? बताओ इसका आंसर क्या हो। हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए, हाइपरलिंक को डालने के लिए आप कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल करते हो। हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस के यूज किया, कंट्रोल प्लस एम इंडेंट के लिए इस्तेमाल होता है,
इंडेंट किसे कहते हैं? तो मार्जिन और पैराग्राफ के बीच की दूरी। इंडेंट किसे कहा जाता है? पेज में जो मार्जिन दे रखा होता है और जहां से आप लिखना शुरू करते हो पैराग्राफ, तो मार्जिन और पैराग्राफ के बीच की दूरी को इंडेंट कहा जाता है। और इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम कंट्रोल प्लस एम का। कंट्रोल प्लस एच फाइंड एंड रिप्लेस एक शब्द को दूसरे शब्द से बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस जेड अंडू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? आगे आ जाए नेक्स्ट। इनमें से कौन सा विच इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क दैट मे वर्क ऑन अ डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। अगर इसका आंसर आपने गलत कर दिया ना, बारिश में जाके नहाना। इसका आंसर मैंने इतने बार बता दिया जितने बार हम आलू नहीं खाते, ठीक है? तो जैसे आलू कॉमन है, इसका आंसर भी कॉमन है, आपने कई बार पढ़ा हुआ है, फिर भी गड़बड़ करोगे लग रहा है ऐसा। करिए जरा इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। हब पिटाई होगी, गेटवे। चलो कुछ तो निकला सही, आंसर आ रहा है हब। अब तो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछ क्या रहा है? उसने बोला दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए, दो नेटवर्क जोड़ रहा है, ये कंप्यूटर नहीं जोड़ रहा है, दो कंप्यूटर को जोड़ता तो हब करते। भैया वो नेटवर्क जोड़ रहा है पहली बात। दूसरी बात, उसने बोला अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए, तो हमने दो चीजें पढ़ी थी, याद तो नहीं होगा? हमने पढ़ा था एक होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए, अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए गेटवे का इस्तेमाल करते हैं। ये शिद्दत से पढ़ रहे हो आप, ये शिद्दत है। और होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है एक समान, एक जैसे। तो एक जैसे नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम ब्रिज का होता है। कितने बार पढ़ाई हमने, अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो गेटवे के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है? नेटवर्क को कनेक्ट करना है, कंप्यूटर को नहीं करना। कंप्यूटर को जोड़ने का काम होता है हब का और स्विच का। हब और स्विच ये दोनों कंप्यूटर को जोड़ते हैं, कंप्यूटर कनेक्शन देते हैं। हब डंब डिवाइस, डंब टर्मिनल है, बुद्धू है, ठीक है? हब जो है वो डंब टर्मिनल है, बुद्धू है बेचारा, इसको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं याद रहता। स्विच जो है इंटेलिजेंट है, इसके पास अपनी खुद की मेमोरी होती है, डेटा फिल्टर करता है कंप्यूटर में भेजने पर। राउटर जो होता है ये ओएसआई की नेटवर्क लेयर पे काम करता है और ये नेटवर्क को डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बस इतनी सी बात थी, आंसर है गेट। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर, पढ़िए जरा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ प्रिंट सेटिंग इज यूज्ड टू चूज ओनली स्पेसिफाइड पेजेस इन एमएस वर्ड 365। एमएस वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पेजों को चुनने के लिए प्रिंट सेटिंग के निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? सभी पेज को प्रिंट करने का, कस्टम प्रिंटिंग का, प्रिंट सिलेक्शन का, प्रिंट करंट पेज का। करिए जरा फटाफट से, क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर क्या हो सकता है बताइए। क्वेश्चन नंबर फोर के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो एमएस वर्ड 365 में विशिष्ट पेजों को चुनने के लिए, अगर आप कोई स्पेसिफिक पेज को चुनना चाहते हैं तो कस्टम प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करोगे ना, कंट्रोल प्लस पी दबाना, रुक जाओ, वो बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि केवल वही पेज सेलेक्ट करना है जो चाह रहे, स्पेसिफिक पेज। मुझे सपोज करो मेरे पास एक बहुत बड़ी पीडीएफ है, उसमें 50 पेज है और मैं चाहती हूँ कि उन 50 में से केवल 13 से 25 तक के पेज ही प्रिंट हो, ना तो 13 के पहले के पेज प्रिंट हो ना 25 के बाद के। तो किसी स्पेसिफिक पेज को प्रिंट करवा रहे हो, मतलब कस्टमर, मतलब जो यूजर है वो अपने अकॉर्डिंग काम करवाना चाह रहे हैं, तो कस्टम प्रिंट के अंदर आता है, कस्टमाइज कर रहे हो उसे अकॉर्डिंग टू यूज, ठीक है? तो यहां पर ये कस्टम प्रिंट के अंदर आएगा। कंट्रोल प्लस पी से आप प्रिंट वाले डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देते हो, फिर आपको अगर सभी को प्रिंट करना है तो केवल एंटर दबा दो, लेकिन अगर आप किसी विशिष्ट पेज को प्रिंट करवाना चाहते हो, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, लास्ट के दो, दो शुरू के दो, तो आप इस्तेमाल करते हो कस्टम प्रिंट का। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक प्रकार का मॉलवेयर है
दैट इज ऑफन डिस्कस्ड एज लेगिटिमेट सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक प्रकार का मॉलवेयर है जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है? इनमें से कौन सा एक प्रकार का मॉलवेयर है जो वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा। सॉरी, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो लगता तो है कि असली है पर निकलता नकली है? लगता तो है असली है पर निकलता नकली है, ट्रोजन मॉलवेयर को कहा जाए। ठीक है, जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो तो आपके पास अपने आप एक मैसेज आता है कि आपका रैम जो है वो बहुत स्लो काम कर रहा है, इस रैम बूस्टर को डाउनलोड कर दो, अभी रॉकेट से तेज मंगल ग्रह जैसे पहुंचा के नेटवर्क का काम करवा देंगे। नहीं, तो आप वो मासूम, आप नहीं हो मासूम, जो लोग मासूम होते हैं वो क्या करेंगे, वो इसको डाउनलोड कर देंगे। भाई सच में शायद बहुत अच्छा इंसान है, मेरे को बता रहा है। अब उन्होंने कर दिया उस रैम बूस्टर को डाउनलोड, अब वो डाउनलोड वाली एप्लीकेशन कहीं दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो एक ट्रोजन थी। उसने दिखाया कि मैं बहुत काम का लायक हूं, लेकिन जब आपने उसको डाउनलोड कर दिया तो वो किसी काम के लायक नहीं निकला, वो अब आपकी निजी सूचना को खराब कर रहा है। नहीं, ऐसे मान लो कोई ऐसा इंसान जो आपको लगा कि बहुत अच्छा है, ठीक है, उसने बोला मैं बहुत बढ़िया हूं, मैं मेरी दोस्ती की लोग मिसालें देते हैं, आपने उसको दोस्त बना लिया, दोस्ती कर ली और बाद में पता चला ये किसी काम के लायक नहीं है, ये तो मेरी निजी खबरें भी दूसरों को जा जाके बता रहा है। ठीक है, ऐसा ये है ट्रोजन, याद रखना इसे। ट्रोजन से याद रखना, ट्राउजर पहन के आया था वो दोस्त, छल कपट करके निकल गया। ठीक है, याद करने का तरीका है केवल। आ जाओ, वाइल डेटा ट्रांसफर फ्रॉम द कस्टमर मशीन टू द सर्विस या सर्वर, इनमें से कौन सा, जबकि डेटा ग्राहक की मशीन से सर्वर में ट्रांसफर होता है, जब आप डेटा के कंप्यूटर से सर्वर में कोई डेटा डालते हो तो उसे क्या कहते हैं? ब्राउजिंग, डाउनलोडिंग, फॉरवर्डिंग, अपलोडिंग, क्या होगा इसका आंसर बताइए, क्या हो सकता है? जब आप कंप्यूटर के, मतलब यूजर के कंप्यूटर से, जब आप यूजर के कंप्यूटर से कुछ डेटा सर्वर के अंदर डालते हो, जैसे आप इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट करते हो, यूट्यूब पे कोई वीडियो डालते हो, अगर आप अपने सिस्टम से सर्वर पे कुछ डाल रहे हो तो उसे अपलोडिंग कहा जाता है। ये तो इजी क्वेश्चन है ना। और जब सर्वर से कुछ अपने सिस्टम में लेते हैं, जब सर्वर से कोई चीज हम अपने सिस्टम के अंदर डालते हैं, कोई मूवी कर ली डाउनलोड, तो वो डाउनलोडिंग कहलाती है। तो जब अपने सर्वर, मतलब अपने सिस्टम में लेंगे तो डाउनलोडिंग, बाहर भेजेंगे तो अपलोडिंग। क्लियर है? आगे, इनमें से कौन सी कुकीज ट्रैक यू एंड एक्सपोज योर प्राइवेसी, इनमें से कौन कुकीज आपको ट्रैक करती है और आपकी गोपनीयता को उजागर कर देती है? ज़ॉम्बी, परसिस्टेंट, थर्ड पार्टी या सेशन। कुकीज के बारे में सोचो, हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, सारी चीज लगा दो जो भी आपने पढ़ी। हाँ, अपलोडिंग होती है जब आप कुछ चीजें डाल रहे हो, और डाउनलोडिंग होती है जब आप इंटरनेट से अपने सिस्टम में लेते हो। ठीक है, करिए इसका आंसर, बताइए क्या हो सकता है। बताओ फटाफट से, शुरू करते हैं। थर्ड पार्टी कुकीज ट्रैक करती है हमेशा, ज़ॉम्बी कुकीज नहीं होती। ज़ॉम्बी तो एक वायरस है जो बार बार आप डिलीट करोगे बार बार आ जाएगा, परसिस्टेंस भी नहीं होगी। ठीक है, सत्र सेशन भी कुछ नहीं होता। थर्ड पार्टी कुकीज हमारा डेटा ट्रैक करती है। थर्ड पार्टी कुकी कौन? देखो, ये तो हो आप, ये है क्लाइंट, हम लोग हैं जो सिस्टम चला रहे हैं। मैंने कोई वेबसाइट डाली, मैंने ब्राउजर का इस्तेमाल किया सिस्टम से कनेक्ट होने के, ब्राउजर का इस्तेमाल कर, ये मेरी सेकंड पार्टी। इसी के अंदर कोई थर्ड पार्टी है जिसने इस ब्राउजर में एड लगा रखा है। गलती से मैंने उस एड पे, जैसे अम्मा की दुकान का कोई एड देख लो, आपने उस एड पे क्लिक कर दिया और आपने दो तीन ड्रेस देख ली, आप अपनी गाड़ी के लिए कुछ भी लेना चाह रहे हो, आप अपनी गाड़ी के लिए कवर लेना चाह रहे हो, आप अपने स्कूटी के लिए कुछ भी खरीदना चाह रहे हो कि उसको ढक दो ज्यादा गर्मी में गर्म ना हो जाए, तो आपने कुछ भी चीजें देख ली उसमें, गलती से देख ली, तो वो थर्ड पार्टी कुकी जिस एप्लीकेशन की वो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था वो आपके सारे डिटेल को कैप्चर कर देती है। फिर आप किसी भी जगह चले जाओ, बार बार आपको स्कूटी का कवर ही दिखाएगी जब तक खरीद नहीं लोगे। ठीक है,
तो कुल मिलाकर थर्ड पार्टी कुकी होती है, एक स्पाईवेयर का प्रारूप होती है, ये यूजर के द्वारा इस्तेमाल किए गए किसी भी चीज को ट्रैक करती है और उसी के हिसाब से उसको एड दिखाती है, एडवर्टाइजमेंट दिखाती है। आप जो चीजें देखते हो आपको उसी का एड अपने वेब ब्राउजर में देखने को मिलेगा। कुछ लोग मोबाइल फोन देखते हैं, उनको मोबाइल फोन का एड मिल जाएगा, कुछ लोग स्कूटी बाइक देखेंगे, उनको वो एड मिल जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट आप गूगल पे कार सर्च कर लो, कुछ दिन बाद कार का भी एड दिखने लग जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दे रखा है, कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है, फटाफट से पढ़ के बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है, ये तो सही है, कैश मेमोरी छोटी होती है, बिल्कुल। कैश मेमोरी उन प्रोग्राम को रखती है जिनमें कम समय में चलाया जा सकता है, बिल्कुल, तभी तो हम उसको रैम की स्पीड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज काम करती है, हाँ जी, कैश मेमोरी मेन मेमोरी से तेज काम करती है। कैश मेमोरी में डेटा परमानेंट स्टोर हो जाता है, नहीं बाबू मुशाए, नहीं, कैश मेमोरी में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कैश मेमोरी में डेटा कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद गायब हो जाएगा, तो परमानेंट नहीं, टेम्पररी स्टोर होता है, डी वाला गलत दे रखा था। गूगल खोज इंजन में वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है, टाइम अभी चल नहीं रहा है तो ऐसे करने की कोशिश करेंगे। Which of the following is keyboard shortcut to reload the current page in Google search engine? अगर आप Google search engine का इस्तेमाल कर रहे हो और आप अपने जिस जो करंट पेज आपने खोला हुआ है उस पेज को रिफ्रेश करने के लिए या रिलोड करने के लिए कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है, F5 फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब आप वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हो तो किसी वेबसाइट को बुकमार्क करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं तो किसी वेबसाइट को बुकमार्क करने के लिए, ताकि वक्त रहते बाद में देख सकोगे डायरेक्ट, इस्तेमाल किया जाता है Ctrl+D का, ध्यान रखना छोटी छोटी चीजें, ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, इन MS Excel 365 विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स across the top of the screen and below the title bar and contain all the command formula and feature needed to create data intense spreadsheet. क्या दिया हुआ है इसमें? MS Excel 365 में निम्नलिखित में से कौन सा स्क्रीन के शीर्ष और टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है और इसमें डेटा इंटेंसिव स्प्रेडशीट बनाने के लिए आवश्यक कमांड सूत्र और सुविधा शामिल होती है, क्या होगा इसका आंसर? उसे कहा जाता है रिबन। रिबन होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार एक रिबन के टाइप में इस्तेमाल किया जाता है। मेन्यू बार में वो सारे मेन्यू होते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप स्प्रेडशीट में चेंजेस कर सकते हो। फाइल मेन्यू आ जाता है इसके अंदर, होम आ जाता है इसके अंदर, इंसर्ट आ जाता है इसके अंदर, डिजाइन आ जाता है इसके अंदर, और कौन सा आ जाएगा, लेआउट आ जाता है इसके अंदर, फॉर्मूला आ जाता है इसके अंदर, व्यू आ जाता है इसके अंदर, रिव्यू आ जाता है इसके अंदर। तो ये सारे ऑप्शन हमको मेन्यू बार के अंदर दिखाई देते हैं और इसी को रिबन कहा जाता है, ठीक है जी। तो भाई रिबन को हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है हरियाणा दिल्ली पुलिस राजस्थान में। तो रिबन को छिपाने के लिए, हाइड करने के लिए कंट्रोल के साथ F1 की का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना इसे। और सभी बार को हाइड करने के लिए, अगर आप सभी बार को छिपाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार, तो सभी बार को छुपाने के लिए Ctrl+Shift+F1 का इस्तेमाल किया जाता है, लिख लेना इसको, स्क्रीनशॉट तो ले लेके आपने पूरी मेमोरी भर रखी होगी। आगे आ जाओ नेक्स्ट, MS Excel 365 करो जरा जल्दी जल्दी से बताइए। MS Excel 365 में निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प स्तंभ ए, कॉलम ए और पंक्ति 10 के सेल के मान को किसी फंक्शन या सूत्र में संदर्भित किया जाना चाहिए। Which of the following is correct option in MS Excel 365 if a value of a cell column A row 10 is referred to the function or formula? अगर आप किसी फंक्शन में या फॉर्मूले में कॉलम ए और रो 10 का इस्तेमाल करते हो तो वो कैसे दिखाई देगा, ध्यान रखना फंक्शन और फॉर्मूले की बात कर रहे हैं।
अगर मैं किसी फंक्शन में या फॉर्मूले में एक कॉलम और 10 रो को दिखाऊंगी तो मैं इन दोनों के बीच ये रेफरेंस या कॉलम को लगाकर दिखाऊंगी। और अगर मुझसे ये पूछा जाए कि कॉलम ए दे रखी है और रो 10 दे रखा है, इसको सेल के एड्रेस की तरह दिखाना है, फंक्शन फॉर्मूला नहीं बोला, सेल एड्रेस, तो सेल एड्रेस ऐसे दिखाया जाएगा A10, पहले कॉलम आता है फिर रो आता है, सेल का एड्रेस ऐसे दिखाया जाता है। लेकिन अगर मैं इसके एड्रेस, एड्रेस तो बोल ही नहीं रहा, वो फंक्शन या फॉर्मूले में दिखाना है, ए कॉलम है 10 रो है, तो मैं ए रेशियो 10 दिखाऊंगा। रेशियो नहीं, ये आपका कॉलन होता है, कॉलन कहते हैं सिंबल को, ध्यान रखना दोनों में, सेल का एड्रेस ऐसे होगा और फंक्शन में या फॉर्मूले में ऐसे होगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है पढ़िए जरा। एसएससी ने लिया था सीजीएल, एसएससी दिल्ली पुलिस में ले रही है, ठीक है, और हरियाणा में या राजस्थान में आप देखो या एमपी में, तो क्वेश्चन बहुत से मिलते जुलते मिलेंगे आपको जो अदर स्टेट या सेंट्रल एग्जाम में दिए जाते। निम्न में से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस का उदाहरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कौन सा ईमेल की सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा। आउटलुक ईमेल की सर्विस देता है, माइक्रोसॉफ्ट का है, जीमेल ईमेल की सर्विस देता है, गूगल का है, यंडेक्स भी ईमेल की सर्विस देता है, यंडेक्स कंपनी का है, सभी ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, ये सभी ईमेल के सर्वदाता हैं, इन सभी का इस्तेमाल करके आप ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लेजर प्रिंटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए लेजर प्रिंटर के बारे में कौन सा गलत कथन यहां पर दिया हुआ है। कई फॉन्ट और आकारों का समर्थन करता है, एक पृष्ठ पे वर्ण बनाने के लिए, डॉट बनाने के लिए लेजर रोशनी का उपयोग करता है, एक समय में कई प्रतियां मुद्रित कर सकते हैं या तेज गति होती है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताना इसका आंसर क्या हो सकता है, कौन सा इन करेक्ट कथन दे रखा है। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, ए ए ए, ए क्यों आएगा भाई, कई फॉन्ट आकार का समर्थन करता है, बिल्कुल पूछा है कौन सा गलत है। तो लेजर प्रिंटर में आप बहुत सारे फॉन्ट और साइज का इस्तेमाल कर सकते हो, ये लेजर राइट से चीजों को छापता है, लेकिन ये मल्टीपल कॉपी नहीं बना सकता एक समय में केवल ही एक ही पेज छापता है, उसको आप कॉपी कर सकते हो, पर छापेगा तो एक बार में एक ही पेज ना, एक साथ थोड़ी ना 5-6 कार्बन कॉपी छोड़ना लगी हुई है, कार्बन पेपर थोड़ी ना इसके अंदर जो बचपन में यूज करते थे, एक बार में एक ही पेज छापता है, उसकी मल्टीपल कॉपी निकाली जा सकती है, वो कॉपी निकाल सकता है लेकिन सेम टाइम पे कॉपी छाप नहीं सकता, बाकी फास्ट स्पीड तो खैर इसकी होती है। लेजर की फुल फॉर्म हो जाती है लाइट एमिटिंग डायोड्स, नहीं, लेजर की फुल फॉर्म हो जाती है लाइट एम्पलीफिकेशन, क्या होती है भाई बताना था, लेजर की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एक मिनट, लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, क्लियर है, चलो लाइट एमिटिंग डायोड्स एलईडी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बताओ, उपयोगिता इनमें से किसकी उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फिगर करता है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ये आई थिंक कल भी हमने किया था, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सारी सूचना कंट्रोल पैनल पर दिखाई जाती है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। रिपीट हो गया क्वेश्चन, एग्जाम में भी हुआ था, ठीक है, क्योंकि मैं हर दिन नया शिफ्ट आपको करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, सीपीयू में उपयोग किया जाने वाला हाई स्पीड डिवाइस है, कौन सा है हाई स्पीड डिवाइस जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, इनमें से वो कौन सी चीज है जो सीपीयू के अंदर स्टोर है और काम को बहुत ही जल्दी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बताओ क्या आंसर होगा, बताइए। तो सीपीयू के अंदर सबसे तेज काम करने वाली कौन सी टेम्पररी मेमोरी है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑक्सिलरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर। तो सबसे तेज चलने वाली मेमोरी होती है रजिस्टर, सबसे तेज चलने वाली मेमोरी रजिस्टर होती है जो सीपीयू के अरिथमेटिक
सीपीयू के भी एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर स्टोर होती है। सबसे फास्ट मेमोरी होती है, कैश से भी ज्यादा तेज चलती है। नेक्स्ट, इनमें से किसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से कौन सी डिस्क को इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के नाम से जाना जाता है? यूएसबी स्टिक को, नेटवर्क स्टोरेज सर्वर को, सॉलिड स्टेट ड्राइव को, यूएसबी हार्ड ड्राइव को? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क तुरंत डेटा जाएगा और तुरंत आ जाएगा। पहले कंप्यूटर को ऑन करते थे तो बहुत टाइम लगता था उसको चलने में, लेकिन अब सेकेंडों में ऑन हो जाता है। पहले मोबाइल फोन ऑन करते थे तो पहले ब्लैक स्क्रीन आती थी, काफी समय लगता था उसको ओपन होने में, अब तुरंत हो जाता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव को इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव इज द राइट आंसर। एमएस वर्ड 365 में छायांकन विकल्प का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? शेडिंग ऑप्शन का इस्तेमाल एमएस वर्ड 365 में किसके लिए किया जाता है? पढ़िए जरा और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चयनित पाठ का रंग बदलता है? नहीं, टेक्स्ट का रंग नहीं बदलेगा। शेडिंग जो है वो टेक्स्ट का रंग नहीं बदलता, वो पीछे वाला शेड क्या होता है, शेड पीछे किया जाता, ठीक है, वो टेक्स्ट उसका रंग नहीं बदलेगा, उसके पीछे की चीजें दिखाता है। तो सेलेक्टेड टेक्स्ट के रंग को बदलता है, चारों ओर बदल देगा? नहीं, केवल एक ही साइड बदलता है, पीछे की तरफ। टेक्स्ट को हाईलाइट करके पॉप कर देता है, ऊपर की तरफ उठा देता है? नहीं, ये केवल चयनित टेक्स्ट के पीछे का रंग बदलता है। तो अगर आप किसी टेक्स्ट के पीछे के रंग को बदलना चाह रहे हो तो आप शेडिंग का इस्तेमाल करोगे। आपने जो भी लिखा है उसके पीछे के रंग को बदलने के लिए शेडिंग का इस्तेमाल 365 एमएस वर्ड में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं, कौन सा कथन गलत है ये ज्यादा पूछा गया, चलो देख लेते हैं। ट्रोजन उपयोगकर्ता की बातचीत के माध्यम से फैलता है, जैसे ईमेल सुरंग खोलना या फिर इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करने को निष्पादित करना। सही है, ट्रोजन जो है वो आपका इंट्रैक्शन टू सच एन ओपनिंग ईमेल। अगर आप कोई ऐसी अटैचमेंट या फाइल को ओपन करते हो जिसमें पहले से ही कुछ वायरस लगा हुआ है तो ट्रोजन ऐसे स्प्रेड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सही है, ट्रोजन एक वैध सॉफ्टवेयर की तरफ दिखता है। ट्रोजन दिखता है लेकिन होता नहीं है, तो ट्रोजन दिखता तो है ना, बिल्कुल दिखता है, दूसरे वाला भी सही है, ट्रोजन असली की तरह दिखता है। ट्रोजन स्वयं प्रतिकृति और अन्य फाइल को संक्रमित करता है। ट्रोजन जो है वो सेल्फ रेप्लिकेंट होता है, और भी ज्यादा फाइलों को खराब करता है, करता तो निजी सुरक्षा तो आपकी हानि हो जाती है, करता है या नहीं करता है बताओ, क्योंकि सेल्फ रेप्लिकेंट क्या होता है, वॉर्म होता है। ट्रोजन फाइलों को तो इफेक्ट करता है, पर क्या ट्रोजन सेल्फ रेप्लिकेंट होता है? तो ट्रोजन सेल्फ रेप्लिकेंट नहीं होता है, फाइलों को खराब कर देगा लेकिन ये अपनी प्रतिलिपियां अपने आप नहीं बनाएगा, ये केवल सूचना को भेजता है, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करता, मतलब एक फाइल से दूसरी फाइल में नहीं कूदेगा, ये केवल फाइलों को संक्रमित करता है, क्योंकि अपनी प्रतिलिपियां बनाने का काम तो वॉर्म ने संभाला हुआ है ना, अपनी प्रतिलिपियां तो वॉर्म बनाएगा। ट्रोजन केवल क्या करता है, ये आ जाएगा, घुस जाएगा आपकी आपके सिस्टम में, और सिस्टम के बाद घुसने के बाद आपकी सारी डिटेल्स को निकाल कर लीक कर देगा, ठीक है। बस Some trojan create backdoors to give malicious user access to system. बिल्कुल, कुछ trojan दुर्भावनापूर्ण उपयोगकर्ताओं के सिस्टम तक पहुंच प्रदान करने के लिए backdoor बनाते हैं। Backdoor का मतलब है आपके सिस्टम में आ गया पर वो कभी डिलीट नहीं हो सकता, आप पकड़ ही नहीं पाओगे। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके फोन की जासूसी कोई कर रहा है? जब आपका फोन रखे रखे अपने आप ही कुछ ऐसी एप्लीकेशन आपके फोन में आ जाए जो आपने कभी डाउनलोड ही नहीं किया, कोई एप्लीकेशन ऐसी डिलीट हो जाए जो आपने कभी डिलीट ही नहीं करी, कुछ ऐसे मैसेजेस आ जाए या चले जाए जो आपने कभी करे ही नहीं है किसी को, समझ जाना किसी की जासूसी हो रही है, कोई जासूसी कर रहा है आपकी, ठीक है, बड़े आदमी बन गए हो। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, ये रहा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो ग्राफिक एरे कनेक्टर वे होते हैं जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं, इसमें कितने छेद होते हैं? छेद मतलब कितने पिन होते हैं, कितने छोटे छोटे होल होते हैं? जो VGA एरे कार्ड होता है, जो VGA होता है, वीडियो एरे कनेक्टर होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है
सिस्टम को मॉनिटर से जोड़ने के लिए इसमें कितने छेद होते हैं? ये 15 पिन का होता है, इसमें 15 होल पाए जाते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 20 ही क्वेश्चन आते हैं टीजीएल के मेंस में, 60 नंबर का होता है टीजीएल में। ये क्वालिफाई नेचर का है कंप्यूटर, जिसमें अभी जो क्वालिफाई निकाली गई थी, मतलब लास्ट में जब रिजल्ट आया तो बताया गया कि 60 में से जिन बच्चों के 27 नंबर आ गए थे, 60 नंबर में से 20 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, 20 क्वेश्चन 60 नंबर के हो गए, 60 में से जिस बच्चे के 27 नंबर भी आए थे वो भी क्वालिफाई कर लिया था उसने एग्जाम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड डैश मेमोरी। सीपीयू के सीधे संचार करने वाली मेमोरी यूनिट को किस मेमोरी के नाम से जाना जाता है? तो सीपीयू को जो डायरेक्ट संचार की कर जा रही है, सीपीयू को डायरेक्ट चीजों को देने वाली मेमोरी मुख्य मेमोरी कहलाती है, मेन मेमोरी कहलाती है, ऑप्शन बी राइट। तो बताओ कितने क्वेश्चन ठीक है आपके टोटल 20 क्वेश्चन में से। और एक लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है बताना है आप सभी को कमेंट करके, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो आज के सेशन को बच्चा हम यहीं पर एंड करेंगे, थोड़ा रैपिड फायर सेशन था, ठीक है। तो आज के सेशन को हमें यहीं पर एंड करना होगा, मिलते हैं हम लोग कल अपने टाइम पर ठीक 1:00 PM। कल और कुछ नई चीजों को देखेंगे, तो डेली 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, कॉपी बना लो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने अपने घरों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।